जब देखो तो फोन उठा लेता, हमेशा फोन मत लिया कर, नहीं किसी ने खोपड़ा फोड़ दूंगी तेरा कमीना कहीं का। हे गाइस, राधे राधे, आप लोगों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। फिलहाल हो चुके हैं सुबह के 11 और अपना ब्लॉग शुरू हो रहा है ब्लैक चश्मे के साथ, भाई सनग्लासेस के साथ। तो अंदर कौन ही ऐसा चश्मा पहनता, भाई मैं पहनती हूँ क्योंकि बेबो मेरा चश्मा लाने में इतना ज़्यादा लेट कर दिया। आज मैंने बेबो को अच्छे से नहला दिया, बाल बाल धो के, और भैया कर रहा है वहाँ पे पूजा, तो भैया को आने देते हैं। भैया का ब्रेकफास्ट रेडी है, आप लोग दिखाते हैं। और पाड़े जी अपना ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं, उस कमरे में लग चुके हैं अपने काम पे। तो फिलहाल ये वाला चश्मा मैं उतार देती हूँ भैया, और आ जाती हूँ अपने असली, इसको मैं पहन लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आ जाती हूँ मैं अपने असली रूप में। तो ये रहा मेरा असली वाला लुक, तो ये वाला मेरा, मेरी आंख लग गई अब गाइस। और अभी 11 बज चुके हैं, फटाफट खाना बनाऊंगी। आ जाए एकादशी तो मैं भिंडी वाली दाल बनाने वाली थी, बेबो की फेवरेट, जो कि अब नहीं बनेगी क्योंकि भिंडी मेरी फेवरेट तो नहीं है भाई। भिंडी वाली दाल तो तुम खाती हो? खाता हूँ पर फेवरेट नहीं है। ओके, तो अभी जो है या क्या है कि अब भिंडी की दाल चावल के साथ अच्छी लगती है, और जब चावल बनेगा नहीं तो भिंडी की दाल भी नहीं बनेगी। तो मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, जो मैंने धो के सुखा के मस्त रख दिया है। तो भिंडी को कट करती हूँ और ब्लॉग में बने रहना, तो दिखाते हूँ भिंडी की मस्त वाली सब्जी कैसे बनती है। मम्मी काट रही है, क्या काट रही है? भिंडी भिंडी भिंडी। आज पापा, आज पाड़े जी सारा दिन सुनाएंगे मेरे को, उनको भिंडी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों? उन्हीं तो सिखाऊं, उन्हीं ने तो सिखाई है मुझे भिंडी खाना। उनको भिंडी की दाल पसंद है ना भाई। अच्छा पापा, हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। पापा लग गए अपने काम पे। हेलो सर। और हाँ, मम्मी काट रही भिंडी, पापा को बिना अच्छी नहीं लगती भिंडी है। पापा चलो लाइट बंद कर दूँ? पापा बंद। लड़का जो है बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, मेरे को अंटार्कटिका आप एक प्लेट लपेट दिया रे, तो मजा आ गया होगा तो। बहुत ज्यादा अन था, मीठा भी है। अंटार्कटिका का, अंटार्कटिका अंटार्कटिका क्या कर रहा है? मैं समझा रहा हूँ कि वहाँ पे सूरज कैसा दिखता है भाई। हम देख रहे थे वीडियो अंटार्कटिका की, कह रहा है अंटार्कटिका अंटार्कटिका जाएगा, और इसको अभी से चिंता हो गई वहाँ पोटी कैसे करेगा। यहाँ मैंने काट दिया सारी भिंडी, और यहाँ मैंने दो मुट्ठी दाल, ये देखो रेड की दाल है, धो के मैंने पानी डाल के ले लिया। आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। सबसे पहले डाल दिया हल्दी, उसके बाद डाल दिया नमक। ये कौन सा नमक है भाई? ये ऑर्गेनिक नमक है। इसमें डाल दिया थोड़ी सी भिंडी, क्योंकि मैं बना रही हूँ भिंडी वाली दाल। दाल थोड़ी सी क्यों, और की सब्जी बनेगी ना भाई। अच्छा, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेल कि सीटी आए तेल बाहर ना निकले, और इसको पकने देते हैं गाइस। उसके बाद दिखाते हैं आगे का प्रोसीजर। तो मम्मी बेबू का आ चुका है ब्रेकफास्ट, और गाइस बेबू के ब्रेकफास्ट में आज है भाई साहब चाय और टोस्ट, और यहाँ पे थोड़ी सी ये पता ये क्या है, नमकीन। गाइस जो भी नमकीन है गाइस, बेबू मस्त अपना एंजॉय कर रही है। थोड़ी सी नमकीन खाऊंगा तो मतलब थोड़ी सी है, थोड़ी सी तो है। जब देखो तो फोन उठा लेता, हमेशा फोन मत लिया कर, नहीं किसी ने खोपड़ा फोड़ दूंगी तेरा कमीना कहीं का। हमेशा फोन लेके बैठ रहता फालतू का, एक्टिंग के बादशाह के समझ से, एक्टिंग के बादशाह के समझ से। जब देखो तो फोन ले लेता हमेशा, बिना काम का फोन मत छू। अगर 100 बार बता दे हूं ना दांत फाड़ेगा ना तो सर फाड़ दूंगी बदतमीज कहीं। गाइस मैंने गुस्सा कर दिया है, चल चाय के साथ मस्त अपनी नमकीन खा लेते। थोड़ी सी फिर थोड़ी सी बोला, ज्यादा सी बोलूं और क्या, एक भर के भदेला लिया है तो ज्यादा ही बोलेगा। ये मेरा हाथ देखो, इसके सामने बच्ची लग रही है कटोरी तो। अच्छा अभी बहुत बड़ा कलेश हो गया, बाहर पुलिस आ गई है। ये झाड़ू लगा रहा है। हेलो, ऊपर चढ़ जा रहे हैं, सही से लगा भैया झाड़ू। बेशरम कहीं की भाई झाड़ू लगा रहा है। गैस मैं तो रोटी बना रही हूँ, भैया को नमकीन नमकीन खाया था ना, गिरा था इसलिए उसको लगा कि डाली हो। दे दो खाना खाएगा वहाँ बैठ के, एक चेयर दे, उठ खड़ी हो भाई। तुम दोनों ने तो तंग कर दिया हमेशा लड़ लड़ के मेरे को, दे 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 भाई। धक्का क्यों दे रहा है, एक दे रही है ना। आओ खाना खाएगा ना बेबो, फिर क्यों मैं
तुम यहाँ बैठ जाओ उससे ठीक, तुमको टीवी देखना है ना, सीधे ऐसे बैठ के देख लो। तो देख सकते हो आप आ चुका पापा का गाइस लंच भाई, जिसमें पापा नहीं आया लंच आया बस अकेले गए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पापा जगह तो मैं बैठ गया हूँ। जहाँ पे पापा के आए इतने सारे दो रोटी और ये सिरके वाली प्याज और गाइस ये देखो भिंडी की दाल है मस्त, और ये पालक की सब्जी है जैसे आप लोग देख सकते हो मस्त। पापा को भाई पापा तो वो खड़े, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाक से गाइस, वो देखो पापा वो खड़े। बहुत मारूंगा हाँ चल चल इधर चल, मेरे पास तो आई मत। अरे क्यों बैठ रही हो आप? मेरी मर्जी। मेरे को टीवी नहीं दिख रहा। जितना दिख रहा है उतना ही तो नहीं दिख रहा। अरे हटा दो। उतर जा फिर, हट जा ना बोलते रहो, हट जा। मार दूंगा उतारो भाई इसको, क्यों ब्लॉग बना रही हो इस डॉल से? बंद करो पंद्रह साल से कैसे होगा, तुम्हें 9 साल की है तो तेरे लिए तो 15 साल का है ना। अब उधर से बोल रहा हूँ, यहाँ से पूरी टीवी देख रही है, यहाँ से जहाँ मैं खड़ी हूँ। क्यों चिल्ला के कहेगा कि चुपचाप से कहाँ है वो सर ना? अरे नहीं पसंद तेरे हाथ की गंदगी। हाँ जी। तो तक जा, तो तक जा। मत आइयो यहाँ पे। अब मम्मी मार रहा है। चल, हट पाचर। कह रहा हूँ ना वहाँ चल। क्यों जा रहा हूँ? कह बेलगम सर कहाँ तक गए थे कार से? हाँ तो आराम लग गया ना, तो क्या हुआ आराम से गए, नहीं तो गर्मी में परेशान हो जाते ना। यही आँख लाल हुई है तब भी। आज का खाना गाइस अब यहाँ पे सब कुछ डन हो चुका है, क्योंकि आज हमने खाई मोटी रोटी में बटर डाल के मस्त, और भाई यहाँ पे देखो नमकीन और दाल साथ में। अरे देखो तुमने खाया? और गाइस पापा के पास खाना वाना खा के लेट चुके और टीवी देख रहे हैं, और यहाँ पे गाइस अंदर धुल रहा है बर्तन, मम्मी गाइस धुल रही है यहाँ पे बर्तन में, बर्तन धुल रही हो? आज तो घूमने भी जाने वाली हो पापा, मैंने सुना। अरे आज बेबो नहीं जा रही, आज हम लोग चलते हैं। तो गाइस पाड़े जिले जा रहे हैं आइसक्रीम खिलाने, तो बेबो नहीं जा रही, हमारी छोटी गाड़ी है गाइस, इसी वजह से बेबो कहीं नहीं जाना पसंद करती गाड़ी से। तो मैं और भैया पाड़े जी जा रहे हैं, तो बेबो घर में है, तो मैंने बोल दिया है अगर बेबो को दिक्कत होगी तो बाहर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तो गाइस फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और गाइस 20 रुपये में ऐसी कुल्फी मिलेगी, ऐसी कुल्फी मिलेगी गाइस की उसको खा के हम उसके दीवाने हो जाएंगे अगर पापा का कहना है तो। फिलहाल देखते हैं गाइस कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता उसको मिलेगा। तो गाइस आज पहली बार बेबो घर पे है और हम तीनों लोग आए हैं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है बेबो का, घर चल के देखेंगे बेबो का एक्सपीरियंस देखेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग मतलब वैसे में स्कूटी से कहीं जाते हैं, बहुत काम रहता है तो मैं चली जाती हूँ, तब बेबो रह जाती है घर पे दिन उन में। तो गाइस पहुंच गए आइसक्रीम वाले के पास, अब देखते हैं पहली बार भाई मैं तो खाऊंगी ये वाली आइसक्रीम। तो गाइस मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे वाले को खाने के लिए, देखती हूँ पाड़े जी का एक्सपीरियंस कहता है कैसा रहता है भाई। यहाँ तो बड़ा अंधेरा है गाइस, भैया से पूछते हैं भैया कैसी है आप, मतलब देसी है क्या है ये? ना ना मैं नहीं टेस्ट करूँगी, ना ना सेवई मीठी सेवई है नहीं करना भाई मेरे को टेस्ट। तो गाइस हम चल रहे हैं घर, आज मौसम तो बड़ा बढ़िया हो रहा है वैसे, सबसे गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। गाइस जब आए ही हैं गाड़ी से तो ले लेते हैं कुछ घर का सामान, से बन जैसे तो गाड़ी में आप पार्क कर देते हैं और फटाफट चलते हैं, भैया भी आया तो कुछ सामान लेना ही था मेरे को, तो
मैं फटाफट अब उठा लेती हूँ चल के। चल क्या है, अरे ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। तो गाइस कुछ सामान ले लेते हैं, चावल आटा, भाई सरसों का तेल भी लेना यार, इस बार दूसरी तेल लेते हैं। भैया और कुछ सामान ले गए परम भैया, गाड़ी में रखिए, अब चलते हैं फटाफट बैठते हैं।